लाडो। अरे तो डिनर कर चुके हैं, बस अम्मी और मैं बचे हैं, तो इधर रह चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। सारा ठंडा ठंडा सालत खराब हो रहा है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एकदम दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करके फिर मैं दुकान चली गई थी, तभी दुकान से भी वापस आ चुके हैं, अभी काम भी खत्म हो चुका है। तो अभी हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे, और कल जो बोगड़ी का हम लोग बनाए थे स्वीट वाला खटमिठी, वो इतना टेस्टी हुआ, इतना टेस्टी हुआ कि सबीना अभी एकदम दबा के खा रही है। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को सबीना को कैसे खा रही है, रात से यही खाते जा रही है, ये बनाई है और यही खा रही है सबसे ज़्यादा। कितना बार खा लिया है, कितना प्लेट हो गया, ये मिला के दो प्लेट खत्म। रात को भी एक प्लेट खाए, सुबह एक प्लेट खाए ना, रात को बोलो सुबह एक प्लेट खाए, फिर अभी एक प्लेट खा रही है, बचा है कि नहीं मेरे लिए। और अभी अभी एक और खाकुनी आ रहा है, पता है ना, खाने के लिए। यहाँ एक और खाने वाली आ चुकी है। कल मैं स्टेटस रखी थी तो इसके मुंह से पूरा पानी आ रहा था, तो ये मुझे पूरा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। तभी सबीना इतना बचा कर रखी है बॉबी के लिए। चाट ले लो बॉबी, चाट लो थोड़ा, क्या पता मुंह से पानी गिरते रह जाएगा, इसलिए सबीना मेहरबान करके दे रही है। चलता टंगा है हमारे पड़ोसी में, दे दो थोड़ा बॉबी को भी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग सबीना ने कितना बचा कर रखा है, बस इतना ही बचा कर रखा है, इतना सारा मिसे सबीना और अम्मी बैठ के पूरा मस्त खा रही थी। अभी ये जो बच्चा हुआ है बॉबी और मैं मिलके खा लेंगे। चलो, महा टेस्टी हुआ है, नंबर वन टेस्टी हुआ है, एक टेस्ट करके दिखा दो। मुझ से पानी गिर रहा था, बाप रे बाप। बॉबी ये टेस्टी लगती है, नंबर वन लग रहा है, सोचा नहीं था इतना टेस्टी होगा ना। हम बनाएंगे टेस्टी, नहीं टेस्टी। सबीना बनाया, सबीना। तो अभी अपना डिनर बनाने का समय है, और आज के डिनर स्पेशल पे बन रहा है दाल पिट्ठा, जो देख सकते हैं आप लोग। और ये वाला डिजाइन मैं एक बना रही थी, और ये सब सबीना बनाई थी डिजाइन, देख सकते हैं आप लोग। कुछ इस तरह से ग्लास से काट के फिर कुछ डिजाइन बनाएगी, अभी जो ये वाला डिजाइन है वो वाला डिजाइन बनाएगी अभी ये वाला, और मैं ये वाला डिजाइन बना रही हूँ, इसको बोलते हैं दाल पिट्ठा, ये पिट्ठा है। तो अभी इधर सबीना बना रही है, बन गया। और इधर मेरी अम्मी बना रही है, आप लोग गेस कर सकते हैं ये क्या होगा। वैसे मैं बता देती हूँ क्या है, ये है आंवला का हलवा, आंवला का हलवा बना रही है वो मेरी अम्मी मेरे अबू के लिए। मेरे अबू को इस तरह से चाहिए बोले कुछ, इसे जितना भी बिया था बॉयल करके निकाल के फिर इसको धूप में सुखो के फिर इसमें पूरा अभी गुड़ से बस बनाई है। तो इसका मैं पूरा रेसिपी नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये अम्मी बना रही थी, और जब हम लोग दुकान पर थे तब तब बनाती थी। तो अभी ये वाला रेडी हो जाएगा पूरा। और इधर दाल रखी हूँ मैं दाल पिट्ठा बनाने के लिए, दाल बॉयल होने के लिए, तो दाल भी पक जाएगा थोड़ा, उसके बाद डालेंगे हम लोग पिट्ठा बनाएंगे सब। कुछ इतना सारा भी बनाना है, तो ये वाला वैसे भी हेल्दी होगा शायद, क्योंकि इसमें गुड़ से बना है बस, तो डेली सुबह सुबह खाने के लिए अबू बोले अम्मी को इस तरह से बनाने के लिए, उसको जितने बिया थे सब निकाल दिए, तब ये हलवा की तरह हो गया। गुड़ तो वैसे ही फायदा है, अभी आंवला भी फायदा है, दोनों ऐड कर दिए तो बहुत फायदेमंद होने वाला है। आँख की रोशनी तेज हो जाएगी एकदम 12 साल के बच्चे की तरह, अम्मी और अबू का ना मैं। यहाँ अपना पूरा पिट्ठा बनके रेडी हो चुका है, तो अब मुझे इसको डालना होगा। दाल भी पूरा आधा पक चुका है, क्योंकि आधा पका में डालना पड़ेगा, ताकि ये पिट्ठा को भी पकना जरूरी है। अभी इसमें से मैं एक एक करके इस तरह से लेके सब ये दाल में से डाल दूंगी। तो यहाँ अभी जितना भी पिट्ठा हम लोग बनाए थे वो सब डाल चुकी हूँ इधर, और अभी इसको पकने देते हैं, और पूरा फाइनल होने के बाद दिखाते हैं ये पिट्ठा का खूबसूरत चेहरा। तो अभी तो फिलहाल इसको पूरा अच्छे से पकने देते हैं। तो यहाँ आंवला का हलवा बनके एकदम रेडी हो चुका है, और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है ये खाने में, एकदम बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये आंवला है, मैं तो सोच ही नहीं थी कि इतना टेस्टी हो जाएगी। वैसे आप सुबह सुबह डेली हम लोग खाएंगे सब लोग, देख सकते हैं आप लोग कितना टेस्टी दिख रहा है। तो यहाँ लाडो अभी एक काम करके आई है, मतलब एक पढ़ाई करके आई है, अपने मर्जी से खुद से सबका नाम लिख रही थी, जो किसका किसका नाम सही है गलत है मैं अभी चेक करूंगी। क्या ये अनाम मंतासा, रुको, मंतासा, अकीदा, लाडो, अरे रेशमा, इमरान, क्या ये अकबर, अकबर अली, कौन है मेरा नाना,
नाना के यहाँ वाला नाम लिखे है। और इधर से कहाँ से सकीन आएगा, मेरा नाम ही गलत लिख दिया लाडो। ये मात्रा इधर से नहीं आएगा ना, और इसमें ये मात्रा आएगा ही नहीं, बस इतना लिख रहता सही था, बस ये गलती कर दिया। इधर लाडो सही लिख दी, ये भी गलती हो गई, बस ये वाला इधर वाला क्यों मात्रा लिखा है। तब सबीना हो जाता अजमेन क्या मिनी है, मिनी नहीं मुन्नी। तो इधर कहाँ गया, माँ में ऊ का मंत्रा होता ना, न में ई का मंत्रा, तभी ना मुन्नी होता। ये क्या है मिनी मुन्नी, दोनों मुन्नी। गलत गलत, ये नानी का नाम भी गलत लिखा है। समीर, स में इधर से मात्रा नहीं होगा, स में आ इधर होगा, आ आ का मात्रा, आ का माँ में ई का मीर, समीर। क्या ये बोला अपना चाचा का नाम, इरफान। बाप रे बाप, सबका खुद से लिखा है। लाडो दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रही है ना लाडा, खुद से सबका नाम लिख कर आई है। वैसे मेरा नाम सबीना का नाम, और इसमें इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, शायद आ का मात्रा में ई का मात्रा में, ऑलमोस्ट सब सही है, कुछ कुछ बस गलत है। अजमेन कौन इधर से, अजमेन इधर है ना, अजमेन अजमेन ये है ना, नहीं ये लिखा है, खुद खुद भूल गया कौन है, जा रही मामा को दिखाने। तो इधर अपना दाल पिट्ठा बन के रेडी हो चुका है, तो अब मुझे दाल पिट्ठा छोका लगाना पड़ेगा। इधर मैं जीरा डाल चुकी हूँ, तब इसमें मिर्चा ऐड करते हैं। ये रहा मिर्चा, ये भी डालूंगी अभी। दाल छोके तू देखो ना, दाल क्या हो गई है, पूरा दाल का पिच आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। और इस पे लास्ट ऐड करेंगे, बहुत ब्लर हो रहा है, इसमें लास्ट ऐड करेंगे धनिया का पत्ता। तो यहाँ अपना पिट्ठा पूरा बनके रेडी हो चुका है, चलते हैं अब डिनर करने के लिए, टेस्टी सा पिट्ठा। ब्लड हो रहा है, एकदम टेस्टी सा खुशबू आ रहा है इसमें से, खुशबू। यहाँ अपना डिनर निकाल चुकी हूँ मैं, और सब लोग डिनर कर चुके हैं, बस अमीर में बचे हैं। तो इधर है मिर्चा लहसुन का चटनी और ये पीठा, और सब लोग बोले बहुत ही टेस्टी बना है। लाडो को मिर्चा खा के झाल लगे पड़ा ना, सबका ठीक है। और इधर कुछ दिन के चावल बचे थे, उसको भी मैं फ्राई कर चुकी हूँ, तभी अम्मी मैं मिलके ये सब फिनिश करने वाले हैं। चलते हैं डिनर करने के लिए। ये जितने भी जलफाई देख सकते हैं आप लोग, ये आज शाम को अम्मी इसमें मसाला ऐड करेगी। और अभी इसको बॉईल करके मैं दिखाई थी उस दिन के ब्लॉग में, कि बॉईल करके धूप में सुखा के रखी थी, तो इसका पूरा पानी सूख चुका है। तो इसमें अब नमक और हल्दी डाल के आज दिन भर इसको पूरा अच्छे से धूप में सुखाइए। और इधर है बोगड़ी जिसको जुजुपी बोलते हैं, उसका भी अचार बनेगा। तो आज रात को मैं इसका पूरा प्रोसेस दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, कि इसमें हम लोग क्या क्या मसाला ऐड करेंगे। ऐसे इसको काट देते और अच्छा होता, लेकिन सूखा होता इसलिए इतना नहीं काटे हैं। तो कुछ इतने सारे जलफाई और बोगड़ी का अचार बनेगा अपने घर पे, इसका पूरा रेसिपी मैं रात को आप लोगों को दिखाऊंगी। और अभी ये ऐसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है, क्योंकि थोड़ा खट्टा खट्टा सा आ रहा है, इसकी वजह से ये पूरा बन जाता है, और इसके अंदर इतना गुद्दा है इसलिए और अच्छा लगता है। अभी रख देते हैं इसको। तो आज मैं दिन में अपना वीडियो पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई, और कल का मेरा वीडियो आधा ही था, इसके वजह से कल को मैं वीडियो भी अपलोड नहीं की। तो कल के ब्लॉग ही सेम, उसमें मैं आज वाला जो अभी डिनर बनाएंगे वो ऐड कर दूंगी। तो आज के डिनर स्पेशल पे बनने वाला है, स्पेशल कुछ नहीं बनने वाला है, मतलब आज बनेगा प्रॉन्स की चटनी और रोटी। तो मैं सोची हूँ प्रॉन्स का चटनी बनाऊंगी और पूरा रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगी, वैसे मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। चलते अब डिनर बनाने के लिए, और दिखाते हैं आप लोगों को। फिर उसमें जलफाई और बोगरी का हम लोग अचार बना रहे थे, जो मैं दिखाई थी दिन में थोड़ा बहुत, तो उसमें अभी क्या क्या मसाला ऐड करेंगे पूरा अच्छे से सब रेसिपी दिखाएंगे आप लोगों को। पहले डिनर बना लेते हैं, उसके बाद अचार का भी रेसिपी दिखाएंगे और प्रॉन्स की चटनी का भी रेसिपी। यहाँ सबीना अभी चाय और क्या मकई का मकई का भूजा भूज कर लेकर आई है स्पेशल फॉर पूजा के लिए। तो पूजा इधर बैठ के खा रही है, इधर लाडो भी खा रही है, उधर सबीना। तो यहाँ प्रॉन्स की चटनी के लिए मैं अभी पूरा प्रॉन्स को अच्छे से पहले गर्म कर रही हूँ, ताकि ये
पीसने में आसानी हो, तभी ये पूरा अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद टमाटर भी पकने में थोड़ा समय लगेगा। तो प्रॉन्स की चटनी खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है इसके वजह से। यहाँ प्रॉन्स को मैं पूरा अच्छी तरीके से भून चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मिक्स हो जा रही है। तो अब यहाँ मैं लहसुन और मिर्चा डाल चुकी हूँ, अच्छे से थोड़ा भून जाएगा इसमें, तो अच्छा लगता है। इधर अपना टमाटर भी आग में पका चुके हैं, तभी टमाटर को धोना पड़ेगा पूरा अच्छे से। इधर पानी ला चुके हैं, पहले मिर्चा और लहसुन को भून लेती हूँ। मैं बहुत थक थक हो रहा है। तो यहाँ टमाटर को भी मैं पूरे अच्छी तरीके से एकदम धो चुकी हूँ, और इधर अपना लहसुन मिर्चा भी पक चुका है। तो आज हम लोग सिलपट्टा में बनाएंगे। वैसे मैं सोची थी कि गिलास में कुटका हो जाएगा, लेकिन मैं सोची थोड़ा सिलपट्टा में बना के आज का टेस्ट देखेंगे। इधर अपना झींगा, तो सबसे पहले मुझे ये सबको पीसना होगा, फिर उसके बाद टमाटर नहीं, फिर उसके बाद प्रॉन्स को पीसेंगे। तो दिखाते हैं आप लोग को पूरा इसका रेसिपी, प्रॉन्स की चटनी कैसे बनाते हैं हम लोग, और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है चटनी रोटी ऐसे खाने में। चलते हैं बना लेते हैं। इधर टमाटर भी हो ही चुका है, तो यहाँ टमाटर और प्रॉन्स मिर्चा लहसुन सबको मैं अच्छी तरीके से पीस चुकी हूँ। तब मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा एक बड़े साइज का प्याज, और ये रहा हरा धनिया एकदम, जो भी मैं खेती में से लेकर आई हूँ। तब ये सबको काट के इसमें मिक्स कर देते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। जल्दी से काट लेते प्याज और धनिया पत्ता। तो यहाँ अभी मैं सब कुछ काट के रेडी कर चुकी हूँ, धनिया पत्ता और प्याज कुछ एक बड़े साइज़ का दिखाई आप लोगों को। अभी सबको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके बाद झींगा का चटनी बन के रेडी हो जाएगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ऐसा वाला चटनी और रोटी। किसको किसको पसंद है प्रॉन्स की चटनी रोटी और इस टाइप से बनाया हुआ चटनी, देख सकते हैं आप लोग कितना टेस्टी बन रही है। तो यहाँ अपना प्रॉन्स का चटनी बन के पूरा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और इसके साथ फेवरेट रोटी, इधर कुछ इतने सारे रोटी भी पूरा गर्मा गर्म। तो चलते हैं अब डिनर करने के लिए, क्योंकि डिनर बन के रेडी एकदम टेस्टी सा, सिंपल सा टेस्टी सा प्रॉन्स की चटनी और रोटी। वाह, मुझे तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है, क्योंकि मैं टेस्ट की थी अभी। किसके किसके मुँह में पानी आ रहा है ये प्रॉन्स की चटनी देख के। यहाँ अपना डिनर पूरा रेडी हो चुका है, रोटी और चटनी, और साथ में ये दिन का हमारा दाल बच गया था, वो दाल को भी हम लोग ऐड कर दिए। अभी इतना ही कुछ सिंपल सा डिनर है, तो चलते हैं अब डिनर करने के लिए। चटनी रोटी और दाल। तो अभी अपना डिनर भी हो चुका है और काफ़ी टेस्टी लगा रोटी और प्रॉन्स की चटनी दाल। तो अब समय है अचार बनाने का, जो रेसिपी मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी, रेसिपी मतलब उसका अभी मसाला ऐड करेंगे हम लोग। उसमें क्या क्या मसाला ऐड करते हैं अब दिखाते हैं आप लोगों को, फिर उसको सुबह हम लोग धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। तो अभी मसाला डाल देंगे, पूरा अच्छी तरीके से मसाला अंदर चला जाएगा, तो सुबह धूप निकलेगा वैसे ही हम लोग धूप पे रख देंगे, तो पूरा अच्छे से पकेगा मसाला। दो तीन दिन बस मसाला पकाएंगे धूप में, उसके बाद अपना अचार बन के पूरा रेडी हो जाएगा। ये मसाला में सरसों, मेथी, मंगरेला और जीरा, धनिया सब कुछ है, और इधर अजवाइन और इधर काला जीरा पहले डाल चुकी है। सबसे पहले हम लोग भगोड़ी का अचार बना रहे हैं, भगोड़ी का लाल मिर्च। हाँ लाडू तो वहाँ से मिर्च का डब्बा अच्छा से देना है। दे रही हूँ। इधर अजवाइन भी डाल चुके हैं, और ये मसाला बताई मैं सरसों, मेथी, मंगरेला, जीरा सब पहले ही गूड़ा करके रखे हम लोग अचार बनाने के लिए, और इधर काला जीरा। इधर नमक और हल्दी, नमक तो पहले ही थोड़ा डाले थे, आज दिन में सुखाए हैं, तभी नमक जितना लगेगा उतना डालेंगे, वैसे बाद में थोड़ा सा डाल कर रखे थे। और इधर तेल को पूरा पहले गर्म करके अच्छा से पूरा गर्म करके पका लिए तेल को, ताकि इसमें गंध ना आए। अभी पहले भोगड़ी का अचार बनेगा, फिर इसके बाद ये जलफाई का अचार, देख सकते हैं आप लोग। तो अब इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा झाल नहीं बनाने। अब ये सबको मिक्स करेंगे तेल डाल के। मेरी अम्मी बहुत अचार बनाती है टेस्टी टेस्टी वाला। तेल भी चला लिया, यहाँ भगोड़ी का अचार में पूरा मसाला अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर चुके हैं। तो अब इसको बस धूप में कल सुखाना होगा। तो अभी इधर जलफाई का अचार,
सेम वही मसाला ऐड किए हैं हम लोग, उसमें भी सेम वही मसाला ऐड करेंगे जो जो उसमें ऐड किए थे। तभी इसको भी ऐड करके रेडी कर लेते हैं। जलफाई का चादर मुझे बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये खट्टा खट्टा मज़ा ही आ जाता है। तभी इतना ऐड करके और मसाला पक जाएगा तब तो इसमें और खाने का मज़ा आएगा। दाल भात बाद में तेल थोड़ा डाल के तभी ये सबको अम्मी मिक्स करेगी। हल्दी इसमें हल्दी था है तो हल्दी मत डाल, हल्दी ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हल्दी हो जाएगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इसमें तेल लास्ट सब मसाला डाल के तेल ऐड कर रही है। तो इसका मैं पूरा आप लोगों को रेसिपी बता दे रही हूँ कि कैसे कैसे हम लोग बनाए। सबसे पहले इसको लेकर आए थे तो धो के पूरा रेडी किए और धोने के बाद इसको बॉईल किए थे हम लोग, जलफाई को हल्का बॉईल करके फिर इसको धूप में एक दिन पूरा अच्छी तरीके से सुखाएं ताकि जितना भी पानी हो सब सूख जाए। फिर पानी सूखने के बाद फिर दूसरे दिन हम लोग नमक और हल्दी डाल के इसको धूप में फिर सुखाए थे ताकि नमक और हल्दी पूरा अच्छी तरीके से अंदर चला जाए। फिर उसके ही रात को आज हम लोग मसाला ऐड कर रहे हैं और मसाला क्या क्या ऐड किए जो अभी दिखाई हूँ आप लोग को। तब इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, अब इसको धूप में सुखा देंगे तो मसाला जितना है पक जाएगा फिर उसके बाद खाने का लायक हो जाएगा। ये 5-6 दिन पूरा धूप में इसको डाल के पकाना होगा। तरबोगोरी का तो पहले इसका पूरा जितना भी डंटी था सब तोड़े, फिर इसके बाद हम लोग इसको धो के पूरा अच्छी तरीके से धूप में पूरा सुखा दिए थे ताकि इसका भी जितना पानी हो सब चल जाए। फिर इसको दूसरे दिन नमक और हल्दी डाल के इसको भी सेम वैसे ही धूप में रखे थे। तो आज रात को दोनों का हम लोग मसाला डाल रहे ताकि कल धूप होगा तो डायरेक्ट इसको दोनों को निकाल के धूप में रख के मसाला पकाएंगे। फिर बोगोड़ी का अचार और जलफाई का अचार रेडी हो जाएगा अपना, वैसे अभी रेडी हो चुका है। बस अब कुछ नहीं करना है, बस धूप में सुखाने का काम है इसका। वाह यहाँ अभी अपना दोनों अचार बन के रेडी हो चुका है। तब इसको ढक के रख देते हैं ताकि सुबह धूप निकले तब बाहर रखेंगे। इधर यहाँ लाडो को मेहंदी रचाया जा रहा है एकदम। सबीना भी रचाई, दिखाओ सबीना अपना मेहंदी। सबीना अपना मेहंदी रचाई है एकदम, पोत के लग रहा भर्ती हो चुका है। वैसे मोबाइल में बहुत सुंदर है डिजाइन दिखाई दे रखना है। सबीना के हाथों में सुंदर लग रहा है, तेरा हाथ गोरा गोरा इसके वजह से सुंदर दिख रहा है थोड़ा। तो अब सबीना लाडो को भी मेहंदी रचा रही है। इधर लाडो का डिजाइन सुंदर लग रहा है वैसे तो। ना लाडो कल लाडो हीरोइन बनेगी, कल लाडो को हम हीरोइन बनाएंगे ना लाडो। तभी पहले मेहंदी रचा लेगी, देखते कितना देर तक इसका मेहंदी हो जाता है। ये रहा सबीना का मेहंदी और सबीना का डिजाइन को सबीना कौन सा डिजाइन कॉपी की है मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये रहा देख सकते हैं आप लोग, ये वाला डिजाइन इसमें सो ब्यूटीफुल सो हैंडसम सो एलिगेंट इसमें इसका हाथ वाव, ये डिजाइन बहुत सुंदर था। लेकिन बस यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गया लेकिन थोड़ा तो हो गया है, इतना सोचने के बाद सूखा नहीं ठंडा सो मेरा हाथ रखा। आर्टिस्ट बन जाएगा थोड़ी देर में सबीना भी, ये सेम इस तरह लगाने वाला। ठंडा सा हालत खराब हो रहा है ना, लाडो का पूरा सूख गया। बिना मेहंदी पूरा रचा के एकदम रेडी कर चुकी है और अब सूखने के लिए छोड़ेंगे इसको। और सुंदर लगाइए ना लाडो, पसंद आ रहा है हा? तब ये कल सुबह सूख के पूरा सुंदर कलर हो जाएगा। लाडो का प्यारा प्यारा हाथ ना लाडो। जा भी सोने जाओ ठीक है। अब समय है सोने का, तो आज के ब्लॉग को मैं ही खत्म करती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट।